ओके, नमस्कार नमस्कार। चलिए ठीक है, आज हम लोग का सेकंड क्लास है। तो जैसे कि हमने पिछले बार बहुत सारे वर्ड्स यूज किए थे, फर्स्ट वर्ड मतलब हमारा इनफैलिबल, ठीक है, उसी तरह कैनिबल, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स यूज किए थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हमारा सेकंड डे है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया वर्ड से, जिस जो है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब दोस्तों क्या है? एरिस्टोक्रेसी मतलब है जहां पे हम लोग को कोई रूल करता है। कौन रूल करता है? कोई नोबल्स, गवर्नमेंट, मीन्स जो बड़ा आदमी अगर कभी रूल करता है अपने लोगों के ऊपर, तो उसको एरिस्टोक्रेट कहा जाता है। कोई बड़ा आदमी, चाहे वो बड़ा गवर्नमेंट हो, चाहे वो हाईएस्ट सोशल ऑर्डर का इंसान हो, जिसका जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, इसको क्या कह सकते हैं? एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी। ओके, तो इसी तरह का हम एक वर्ड पढ़े थे जिसका था ब्यूरोक्रेसी। क्या आपको याद आ रहा है ब्यूरोक्रेसी? कोई बता पाएगा उसका मतलब क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या है। ब्यूरोक्रेसी मतलब जब भी जो रूलिंग बॉडी है उसको कोई इलेक्ट नहीं करता, मीन्स गवर्नमेंट का कोई भी बॉडी है, गवर्नमेंट का कोई आदमी है, उनको इलेक्ट नहीं किया जाता, तो उनको ब्यूरोक्रेट कहा जाता है। तो उसी चीज को ब्यूरोक्रेसी कहा गया है। ठीक है, दूसरा है एथेइस्ट, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। वो भाई थक गया है, थक ऐंठ के वो बैठ गया है, वो उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। ठीक है, उसको ना भगवान से मतलब है, ना उसको पूजा पाठ से मतलब है, वो नास्तिक है। इसको क्या कहा गया है? एथेइस्ट। ठीक है, ये याद रहेगा। पहला है एरिस्टोक्रेसी, मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा रूल करना, कोई हाईएस्ट सोशल ऑर्डर में रूल करना। एथेइस्ट मतलब जो भगवान को मानता ना हो। ठीक है, दूसरा है कैलीग्राफी, बहुत आसान सा शब्द है, कैलीग्राफी हम लोग यूज करते ही रहते हैं। ठीक है, तो कैलीग्राफी मतलब आप ध्यान से थोड़ा सा सुनिए, अगर आप ये वर्ड को नहीं सुने हैं, इसका नाम जिसको सुलेख बोलते हैं, तो कैलीग्राफी कैसे याद रख सकते हैं? तो कल ग्राफ बनाना, मीन्स आज वो भाई हड़बड़ी में है, आज थक गया है, आज वो अच्छा से नहीं बना सकता, तो कल वो ग्राफ बनाएगा, तो वो अच्छा से बनाएगा। तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। आप देखे हैं गाड़ी के पीछे लिखा रहता है पूरा डिजाइन से, इस तरह का रहेगा, झारखंड रहेगा, JH इस तरह से रहेगा। ठीक है, वही यूपी रहेगा, इस तरह का रहेगा, UP उस तरह का डिजाइन रहेगा। ठीक है, ये तो बहुत बकवास बन गया है, पर इसी तरह का कोई भी डिजाइन, मीन्स ऐसे करके कोई बना देगा यू, ठीक है, तो उसको भी ये लोग क्या कहा जाता है? कैलीग्राफी। तो जो भी अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा गया हो, जो भी डिजाइन करके लिखा गया स्पेशल पेन ब्रश से, उसको कैलीग्राफी कहा गया है, उसको सुलेख बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉनेशियो। कॉनेशियो मतलब क्या? एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग जजमेंटल ब्यूटी क्वालिटी, मीन्स कोई ऐसा एक्सपर्ट जिसको सुंदरता के ऊपर नॉलेज हो, जिसको क्वालिटी के ऊपर नॉलेज हो, जिसको ड्राइंग के बारे में नॉलेज हो, जिसको खाने पीने के बारे में नॉलेज हो, उसको क्या कहा गया है? कॉनेसियोर। ठीक है, ये विशेषज्ञ, विशेषज्ञ उसको हिंदी में बोलेंगे। ठीक, तो इसको कैसे याद रखेगा? कॉनोस्योर है भाई, कॉनोस्योर है भाई, हाँ भाई स्योर है हमको, हमको क्यों नहीं स्योर है? हम एक्सपर्ट है, हमको सुंदरता में एक्सपर्ट है, हम स्किल इन आर्ट में एक्सपर्ट है, हम फूड में एक्सपर्ट है, म्यूजिक में एक्सपर्ट है, तो इसी से आप ले सकते हैं कॉनोस्योर। ठीक है, याद हो गया, कॉनोस्योर, कॉनोस्योर है भाई। एक आदमी क्वेश्चन पूछता है, आप क्या बोलते हैं? हाँ भाई हम तो एक्सपर्ट हैं, ब्यूटी में एक्सपर्ट हैं, क्वालिटी में एक्सपर्ट है, आर्ट में एक्सपर्ट है, फूड में एक्सपर्ट है, म्यूजिक में एक्सपर्ट है, तो इसको कॉनोस्योर बोलेंगे। नेक्स्ट है फैटलिस्ट। ये देखिए शब्द से ही हम लोग को निकल आ जा रहा है फैटलिस्ट मतलब क्या है? ए पर्सन हु बिलीव्स ऑन फेट। ठीक है, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो कोई एक आदमी ऐसा है जो कि भरोसा रखता है कि जो कुछ भी हो रहा है अपना नसीब में लिखा हुआ है, उसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहा गया है फैटलिस्ट, ये भाग्यवादी। फेट मतलब नसीब, ठीक है, तो वही से ये वर्ड आया है फैटलिस्ट। चलिए नेक्स्ट है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब टू स्ट्रांग टू बी डिफिटेड और चेंज्ड, अजय, जिसको आप ना कभी हरा सकते हैं और ना उस चीज को आप बदल सकते हैं, उसको कहा है इनविंसिबल। इसका आसपास का वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं इनविजिबल। इनविजिबल मतलब जो कभी जो दिखाई ना दे, विजिबल रहता है जो दिखाई दे, इनविजिबल मतलब जो दिखाई ना दे। ठीक है, तो जो दिखाई नहीं दे सकता है, क्या आप उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। जो दिखाई ना दे, क्या आप उसको हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते हैं। तो इसी से आप याद रह सकते हैं एक वर्ड इनविंसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है मर्सिनरी।
मर्सिनरी माने अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। तो एक ऐसा आदमी जो कि लड़ाई कर सकता है कोई भी देश के अगेंस्ट में, कोई भी ग्रुप के विरुद्ध में, अगर उसको पैसा दिया जाए, मतलब पैसा के लिए वो कुछ भी करेगा। किराए का टट्टू, ठीक है। मर्सिनरी याद कैसे रखेंगे? मर्सी मतलब जानते हैं दोस्तों, MERCY, मर्सी मतलब किसी पे दया करना, किसी पे दया करना। तो जो आदमी कभी किसी के ऊपर दया ना करे, पैसा के लिए वो किसी को भी धोखा दे दे, पैसा का टट्टू हो, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? मर्सिनरी, ठीक है। चलिए मर्सिनरी। अभी है एसेटिक। एसेटिक मतलब क्या? ए पर्सन हु लिव्स इन सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर्स स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस, मॉन्क्स, हर्मिट्स एंड सेंट्स। तपस्वी। एसेटिक को आप कैसे समझ सकते हैं? एक ऐसा इंसान जो बहुत सादा जीवन व्यतीत कर रहा हो, जिसको अपने शरीर का शांति नहीं चाहिए, कोई शरीर मीन्स खुशी नहीं चाहिए, शारीरिक खुशी नहीं चाहिए, जिसको जो कि भगवान के लिए, जो कि अपना श्रद्धा के लिए रहता हो, जैसे कि हो गया साधु संत जो है, तो इनको क्या कहा जाएगा? एसेटिक। आप जब भी साधु संत के पास जाएंगे, वो आपको क्या देते हैं? कुछ राख देते हैं, जला हुआ राख, कि ये दोस्तों, ये भाई हमेशा तिलक लगाओ, अपना जो सर है सर के बीच में यहाँ पे तिलक लगाओ, आंख के बीच में यहाँ पे तिलक लगाओ, देते हैं कि नहीं? वो राख को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? SASH, राख, ठीक है। जला हुआ कुछ भी जो लकड़ी का रहता है कि कोयला का रहता है, वो राख रहता है, कुछ भी चीज जल जाए राख बन जाता है, तो वो एस, उसको हम लोग बोलेंगे एस। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एस से आ सकता है आपका एसेटिक, याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट, कार्निवरस। तो देखिए ये वाला चीज हम लोग कल देखे थे, याद है? कार्निवरस प्रीवियस जो क्लास था उसमें हम लोग पढ़े थे कैनिबल। कैनिबल मीन्स जो जानवर हो, जो बल कर दे, मीन्स जो कार्निवरस से हम लोग का ये जो वर्ड हम लोग जो दिन एग्जाम्पल लिए थे कि जो जानवर को खाए, तो कैनिबल मीन्स जो इंसान को खाए जनरली होता है। तो ये कार्निवरस मतलब क्या है? मांस खाने वाले जानवर, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया है? मांस भक्षी, याद हो जाएगा। नेक्स्ट कार्टोग्राफी, आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप, ठीक है। आप गए हैं किसी का कार के कांच के ऊपर आप ग्राफ बना रहे हैं, तो आपको गाली देगा कि नहीं? देगा ना। उसका कार के ऊपर आप बना रहे हैं, मतलब आप क्या मैप बनाने में आपको इतना आपको माहिरती हासिल हो गई है कि आप कार के कांच के ऊपर बना रहे हैं? तो इससे आप याद रख सकते हैं कार्टोग्राफी मीन्स कार के ऊपर आप ग्राफ बना रहे हैं, कार के ऊपर आप नक्शा बना रहे हैं, ठीक है। मानचित्रकारी, इसमें याद हो जाएगा कार्टोग्राफी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या था आपका? एटाइमोलॉजी, एटिमोलॉजी भी बोल सकते हैं, एटाइमोलॉजी द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। तो आप अगर कोई भी शब्द या उसका उसका मतलब के बारे में उसका पढ़ाई कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, या फिर उसका इतिहास को आप देख रहे हैं, तो उसको कहा गया है एटाइमोलॉजी। इसका मतलब शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, एटाइमोलॉजी, ठीक है, एटाइमोलॉजी। तो इसको कैसे याद रखना है दोस्तों? बोलिए, इटा, इटा जब बना, ठीक है, इटा इटाइमोलॉजी, ठीक है। और कुछ देखते हैं इसको, लॉजी मतलब स्टडी रहता है जनरली, ठीक है, बायोलॉजी, तो बायो के बारे में स्टडी, ठीक है, तो लॉजी आपको पता चल गया। अभी इटाइमो, इटाइमो मतलब, इटाइमो मतलब इसको तो अभी निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो देखते हैं इसको, फिर हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग याद रखते हैं, अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। एटिमोलॉजी, ठीक है, देखते हैं उसको। होमिसाइड, होमिसाइड द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली। अगर आप किसी को डेलिबरेटली मार रहे हैं, किसी को भी आप डेलिबरेटली मार रहे हैं, तो उसको होमिसाइड कहा गया है। जैसे बहुत लोग रहते हैं, हस्बैंड अपना वाइफ को डेलिबरेटली उनको जान से मार देते हैं,
तो ये किस केस में आएगा, ये होमिसाइड केस में आएगा। सिमिलर एक वर्ड है, अगर कोई इंसान अपने आप को खुद मार दे तो वो क्या कहलाता है, सुइसाइड। ठीक है, तो होमिसाइड आपको याद रहेगा, होमी मतलब जनरली रहता है घर का, मान लीजिए इसको कैसे याद रखिए, घर का किसी को आप सुइसाइड कर दिए, मीन्स घर का किसी के साथ किसी को आप मार दिए, तो इसमें से आ जाएगा मेरा होमिसाइड। ठीक है, इसको जनरली आप अभी याद रख लीजिए दोस्तों, इटाइमोलॉजी के लिए। इसका भी वर्ड्स नहीं आ रहा है, मिलेगा तो फ्यूचर में हम लोग उसका बात करेंगे। कुछ कुछ हर चीज का तो वर्ड का एक्सप्लेनेशन देना और उसका शॉर्टकट निकालना उसका पॉसिबल नहीं है। इटाइमोलॉजी, ठीक है, लॉजी से आपका स्टडी याद हो जाएगा। इटाइमो, इटाइमो मान लीजिए कोई जो पुराना इटली उटली का कोई था, तो वो लोग कुछ शब्द बोल रहे थे, उनका भाषा है मान लीजिए इटाइमो, तो उनका वर्ड का जो है उनका वर्ड का स्टडी को हम लोग इटाइमोलॉजी बोल सकते हैं। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक, और तो कोई शॉर्टकट अभी है नहीं फिलहाल। ठीक है, देन है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीफ्स, एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज। तो कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि जो रीति रिवाज है उसको ना माने, वो बिलीफ्स कस्टम्स आइडियाज जो भी है उनको क्रिटिसाइज करे, उनको तोड़े हर समय, तो उसको क्या बोल सकते हैं, आइकोनोक्लास्ट, रिवाज तोड़ने वाला, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, क्लैश, क्लैश मतलब याद है ना, क्लैश ऑफ क्लैंस आप खेलते हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस जो गेम है वो क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं तो ग्रुप्स को बीच में लड़ाई होता है, क्लैश होता है, तो इसी से आप याद कर सकते हैं क्लास्ट को। ठीक है, तो कोई क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है किस चीज से, आइकॉन। आइकॉन मीन्स हम जानते हैं ना, कोई भी फैन हो तो वो हम लोग का आइकॉन रहता है, कोई पॉपुलर आइकॉन्स रहते हैं इंडस्ट्री के, कोई भी फैन, कोई भी बड़े बड़े आइकॉन्स रहते हैं, मतलब मान लीजिए कोई एक्टर है बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है, तो वो लोग क्या, वो लोग बैठ गया है उस चीज में, वो लोग बैठ गया उस जगह में, तो मगर आप मानते हैं कि वो हो ही नहीं सकता है, वो आइकॉन नहीं हो सकता है, आप हमेशा झगड़ा करते हैं कि नहीं वो क्या फालतू खेलता है, वो क्या फालतू पॉलिटिक्स चलाता है, जो भी है, तो आइकोनोक्लास्ट जो भी पुराने रीति रिवाज है उनको तोड़ने वालों को आइकोनोक्लास्ट बोलेंगे। इलेजिबल, ये वर्ड को ध्यान से देखिए, ये वर्ड को आप ये नहीं लिख सकते हैं, ई एल आई जी आई बी आई एल ई, एलिजिबल नहीं लिख सकते हैं, एलिजिबल और इलेजिबल दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, वर्ड को इलेजिबल मतलब क्या है, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, अस्पष्ट। अस्पताल गए होंगे, डॉक्टर का हैंड राइटिंग आप देखे होंगे, वो आपके लिए क्या रहता है, इलेजिबल रहता है। ठीक है, उसका मतलब बोल नहीं सकते हैं कि वो एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल और इलेजिबल में अंतर है। एलिजिबल नहीं रहेगा तो आपको अगर किडनी का बीमारी होगा बोलेगा दिल का बीमारी है और आपको वहीं पे हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इलेजिबल मीन्स जो पढ़ाई, जो मतलब पढ़ा ना जाए अक्षर, उसको क्या बोला जाएगा, इलेजिबल। नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल, हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड। मेरा मान लीजिए बहुत खराब आदत है और वो आदत को बदल नहीं पा रहे हैं कि वो आदत को कोई इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, इनकॉरिजिबल, असंशोधनीय। ठीक है, इनकॉरिजिबल, तो हम लोग ये पहले जानते हैं कि जो भी अगर कोई भी वर्ड में इन लग जाए, अगर कोई भी वर्ड में इन लग जाए तो वो अपोजिट हो जाएगा, तो कॉरिजिबल मीन्स करेक्ट। मान लीजिए यहां से कैसे याद रखेंगे, करेक्ट, सही चीज, सही चीज मेरा हम कर नहीं पाते हैं, वो मेरा हमेशा गलत ही रहता है, कुछ ऐसे मेरा अंदर बिहेवियर है जो हम सही नहीं कर पाते हैं और वो हमेशा गलत रहता है, तो इससे अपना वर्ड आ जाएगा इनकरेजिबल। ठीक है, कुछ करेक्ट करना चाहते हैं हम आदत मगर उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकरेजिबल। नेक्स्ट इंसोमनिया, ये बहुत फेमस वर्ड है, बहुत सुने हुए होंगे आप ये लोग, ये बहुत ये वर्ड, इंसोमनिया मतलब अनिद्रा, नींद ना आए, जिसको नींद ना आने की बीमारी को अनिद्रा कहा गया है, तो द कंडीशन ऑफ बींग अनेबल टू स्लीप, इसको क्या कहा जाएगा, इंसोम्निया। ओके, ये बहुत आसान वर्ड है, इसका जनरली हम लोग नहीं निकालेंगे कोई मीनिंग इसका। ठीक है, देन नेपोटिज्म, गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली इफ यू आर इन पोजिशन ऑफ पावर स्पेशली बाई गिविंग दैम जॉब्स। ठीक है, जैसे बहुत सारा केस हुआ है रिसेंटली बॉलीवुड इंडस्ट्री में, मीन्स भाई भतीजावाद का बात को लेकर के आप जो नया नया एक्टर्स है उसको बढ़ने नहीं देंगे, इस तरह का, ये क्या कहा गया है, इसको नेपोटिज्म। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद जनरली ये सब जितने सारे केस हुआ बहुत सारा चीज आया, नेपोटिज्म वर्ड बहुत फेमस बना उसके बाद। ठीक है, तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, नेपोटिज्म।
नेक्स्ट है ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, अप्रचलित। ठीक है, ऑब्सोलीट वर्ड जो है इसका मतलब यही है कि हम लोग उस वर्ड को यूज अभी नहीं करते हैं क्योंकि उसके जगह में भी नया वर्ड आ गया है, तो वो वर्ड को अभी हम क्या बोलेंगे, अब सो जा भाई, तो तेरा काम खत्म, अब जो जागा है वही काम करेगा, जो जागा है उसी को ही हम लोग प्रयोग करेंगे, अब सो जा, और अब सो जा ऑब्सोलीट। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड देखिए हम लोग अभी पढ़े थे होमोसाइड, होमिसाइड, होमिसाइड मीन्स क्या, जानबूझकर किसी का हत्या करना। पैट्रिसाइड क्या है, पैट्री मतलब हम लोग हमेशा बात करते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी, मैटरनल सोसाइटी, पैट्री इसीलिए हम लोग बोलते हैं, पैट्री मीन्स फादर, जो भी फादर का साइड का हो उसको। तो क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर मीन्स इसमें भी तो मारा हुआ है, किसको मारा है, अपने पापा को। ठीक है, पिता का वध को बोला गया है पैट्रिसाइड। देन फिलैटलिस्ट, ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टाम्प, डाक के टिकट का संग्रहक, जो टिकट जमा करता है डाक का, या फिर और जो आपका स्टडी करता है उस स्टाम्प को, उसको क्या कहा है, फिलैटलिस्ट। ठीक है, फिलैटलिस्ट कैसे याद करेंगे, मान लीजिए आपके पास जितना लेट आदमी था, लेट आदमी जितना था, आप क्या किए, जो भी ड्यूटी में आपका गवर्नमेंट सरकार में आपका लेट हो रहा था, गवर्नमेंट ड्यूटी में, आप अभी कुछ बनने वाले हैं गवर्नमेंट के, अब क्या बनने वाले हैं, ब्यूरोक्रेट। ठीक है, अब ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, आप क्या किए, जो जो आदमी लेट आ रहा था सबको एक लिस्ट बना लिए, सब लेट लिस्ट बना लिए, और लेट लिस्ट बन के बना के उसको स्टाम्प मार के आप उसको भेज दिए। ठीक है, किसको भेज दिए, मोदी जी को भेज दिए, प्राइम मिनिस्टर को भेज दिए। तो जब भी आप ये चीज किए तो क्या किया, आप स्टैंप को लगा करके भेज दिए। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो भी लेट आया था, लेट लिस्ट जो है, ठीक है, और फिल मतलब जनरली स्टडी रहता है, तो लेट लिस्ट जो था उसको क्या किया, आप भेज दिए। ठीक है, इसमें क्या याद आ गया आपको, पर्सन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स और स्टडीज स्टाम्प्स। ठीक है, तो चलिए आज और एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये पेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो आज जो पहला वर्ड था वो था एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब रूल बाय नोबल, कोई भी बड़ा पोस्ट में हो, जो हाईएस्ट सोशल ऑर्डर में हो, उसका उसका जो रूल है उसको हम लोग एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है एथेस्ट, जो भगवान पे भरोसा ना करे। कैलीग्राफी मीन्स बहुत सुंदर लिखने वाला। कॉनोसियर मीन्स कॉनोसियर है भाई, हाँ भाई मेरे को सियोर है क्योंकि हम एक्सपर्ट है इस चीज में, तो उसका कॉनोसियर। फैटलिस्ट मतलब जिसको फेट पे भरोसा हो। इनविंसिबल मतलब जो कभी आप बदल नहीं सकते हैं, जो कभी आप हरा नहीं सकते उसको इनविंसिबल। इनविजिबल को आप जैसे कभी नहीं बदल सकते, मीन्स जो इनविजिबल है तो उसको इनविंसिबल से याद रखिए। मर्सिनरी, मर्सिनरी मीन्स उसको भाई कोई दया माया नहीं है, कुछ भी आप कहीं पे भी उसको मार देगा, बस पैसा चाहिए उसको। ठीक है, एसेटिक, भगवान एसेटिक, कोई साधु संत जो है जो कि पूजा करते हैं अपना, उसको एसेटिक कहा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, इसको आप राख से याद करते हैं। आप एक साधु के पास जाए, वो क्या दिया, एस दिया टीका लगाने के लिए। एस क्या होता है, एस होता है आपका राख। ठीक है, देन है कार्निवोरस मीन्स मांस खाने वाला जानवर जो है। देन है कार्टोग्राफी, जो आप क्या करते हैं, मैप बनाते हैं कार में, आप एक मैप बना देते हैं, एक आदमी आके आपको गाली दे दिया, भगा दिया वहीं पे, उसका कार का कांच जो है उसी के ऊपर आप चित्र बना दिए थे। ठीक है, तो वो कार्टोग्राफी। एटाइमोलॉजी मीन्स हम लोग ये पता है कि ये इटाली का मान लीजिए एक भाषा है, बहुत पुराना वर्ड है, तो इसका वर्ड का और उसका मतलब खोजते खोजते पागल हो गए, उसका पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसी से आ जाएगा हमारा स्टडी एंड ऑरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स वो जो शब्द है वो उसको आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसका हिस्ट्री है, तो उसको एटाइमोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट होमिसाइड, होमिसाइड मतलब किसी को जानबूझ के मारना। ठीक है, आइकोनोक्लास्ट क्या था, कुछ जो बिलीफ है, जो भरोसा है, जो रीति रिवाज है उसको ना मानने वाला, उसको हमेशा तोड़ने वाला। ठीक है, क्लैश, क्लैश मतलब किसी चीज को तोड़ना, और आइकन में मान लीजिए जो पहले से माना गया हो, आइकॉन है वो, क्रिकेट का आइकॉन है वो, बॉलीवुड इंडस्ट्री का आइकॉन है, तो इसी रिलेटेड जैसे आप इसको याद रख सकते हैं कि कोई भी रीति रिवाज हो जो पहले से बस गया हो, उस चीज को आप तोड़ना चाहते हैं, आप तोड़ रहे हैं, तो उसको आइकोनोक्लास्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट इलेजिबल, डॉक्टर का मान लीजिए वो हैंडराइटिंग है, तो आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप गए हैं मेडिसिन लेने तो आपको
वो कुछ भी लिख के दे दिया, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, इलेजिबल, इनकॉरिजिबल, तो जिसको आप सुधार ना सके, करेक्ट करेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो आदत बन गया है आपका, जो आपका खराब आदत है, उसको आप करेक्ट करना चाहते हैं मगर नहीं कर पा रहे हैं, इनकॉरिजिबल। इनसोमनिया मीन्स नींद ना आने की बीमारी। नेपोटिज्म मीन्स भाईचारा, हम लोग जैसे देखे हैं भाई भतीजावाद जो है, जो भी नेपोटिज्म मीन्स कोई पावर में है तो वो अपना भाई कोई पावर में दे देगा, ठीक है। कोई मान लीजिए कुछ बड़ा बिजनेसमैन है तो वो दूसरों का ख्याल रखते हुए, पुराना पुराना एम्प्लॉय है जो कि उन पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है, मगर वो क्या करेगा, वो अपना बेटा को ही लगा देगा, भले ही वो पढ़ा ना हो, वो ग्रेजुएशन ना हो, कुछ भी हो तो वो उसको लगा देगा। नेपोटिज्म, अपना अपने मीन्स जान पहचान वालों को घुसा देना किसी बड़े पावर में। ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर यूज वर्ड, अब सो जा भाई, अब तेरा इस शब्द का जरूरत नहीं है, अब तू सो जा, अब जो नया आया है उसको हम लोग देखेंगे। ऑब्सोलीट मीन्स कुछ भी जो वर्ड, मान लीजिए कुछ ऐसा वर्ड जो कि और यूज में नहीं है, क्योंकि उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ एक नया आ गया है, तो उसको हम लोग ऑब्सोलीट बोलते हैं। तो जैसे आप देखे होंगे कि पुराना जो भी लेटर राइटिंग का फॉर्मेट था वो अभी ऑब्सोलीट होकर अभी नया लेटर राइटिंग का फॉर्मेट आ गया है, ठीक है। या फिर कैसे बोल सकते हैं, हाँ अभी देखिए जैसे टेलीफोन था, टेलीफोन अभी क्या हो गया है, अभी वो ऑब्सोलेट हो गया है, अभी मोबाइल फोन आ गया है, घर घर में स्मार्टफोन है, अभी तो फ्लिप फोन भी आ रहा है, ठीक है ना। तो वो जो पुराना जो था, जो चले छैया छैया वाला मोबाइल, वो तो अभी गया, ठीक है। नेक्स्ट है पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड मीन्स अपने पिताजी का हत्या कर देना, पैट्री मीन्स फादर एंड साइड मीन्स मार देना किसी को, जो भी है। फ्लैट लिस्ट, तो जो लेट लिस्ट था, आप क्या किया उसमें स्टैंप मार दिए, स्टैंप मार के आप गवर्नमेंट को भेज दिए फ्लैट लिस्ट, ठीक है, तो पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टैंप। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही। वर्ड्स को रिवाइज करिए, ठीक है, और टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए थैंक यू, और हाँ सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वो बढ़ने में मदद करता है। और अगर कोई ऐसा है जो कि फ्री में पढ़ना चाहता है तो दोस्तों आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप उनको शेयर करिए क्लास, ठीक है। भले ही आप लाइक मत करिए, आप सब्सक्राइब मत करिए, बट आप शेयर जरूर करिए ताकि मैक्सिमम आदमी जुड़ पाए।